शक्ति, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं और जब आसपास स्वच्छता की बात करते हैं तो टेक्निकल जानकारी भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और दर्शकों के लिए भी। आज इन्हीं सब बातों पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कन्हैया कुमार जी, जो कि उप नगर आयुक्त पटना नगर निगम हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। जब हम बात करते हैं स्वच्छता की, शक्ति, जैसे कि आपने अभी कहा कि आसपास की चीज़ें स्वच्छ रहनी चाहिए, तो इसमें पटना नगर निगम की क्या भूमिका है, इसके बारे में बताएं। देखिए, जो पटना नगर निगम है, पूरे पटना शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए कटिबद्ध है। हम लोग डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन करते हैं। इनके अलावा जो कमर्शियल प्लेसेस हैं उसमें 2 शिफ्ट में हमारी सफाई होती है। इनके अलावा हमारे पास जो भी पूरे शहर का कचरा आपके मान लीजिए कलेक्ट होता है, उनको हम लोग एक डंपिंग पॉइंट पे जो बेरिया में स्थित है वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग करने की भी व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल। जैसा कि सर हम कहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत ही अच्छी पहल की शुरुआत की गई कि स्वच्छता ही सेवा है, जिसके तहत उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। ऐसे पे हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ रहना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि स्वच्छता ना सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। इसीलिए स्वच्छता को अपनाना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए इन प्रयासों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री सर ने जो 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करी है और अभी हम लोग स्वच्छ भारत 2.0 में चल रहे हैं, तो उनके प्रयासों के बाद आप देखेंगे कि जो जितने भी शहर हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं या ग्रामीण क्षेत्र, अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता की शुरुआत हो चुकी है, तो इन शहरों में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन आया है। मैंने भी जब 2019 में इस सेवा को ज्वाइन किया था तो मैंने देखा उसके बाद काफ़ी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्वच्छता से रिलेटेड है, व्हीकल्स हैं, मशीनरीज हैं, स्टाफ है, आउटसोर्सिंग स्टाफ हैं, इन सब की काफ़ी अच्छी प्रगति हुई है और इन्हीं सब प्रगति के बल पे आज जो हम लोग जो हैं स्वच्छ पटना, सुंदर पटना बनाने में सक्षम अपने को मान रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, एक बात है कि जैसे कि कहते हैं कि हर कोई जानता है कि स्वच्छता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। खासकर आजकल हर कोई देखता है कि लोग कहीं भी कुछ खाते हैं कचरा फेंक देते हैं, या वो सोचते हैं कि एक छोटा सा रैपर ही तो फेंका है, लेकिन वही छोटी चीज़ें आगे चल के गंभीर बन जाती है। तो ऐसे में उन चीज़ों पर हमें किस तरीके से अमल करने की आवश्यकता है, किस तरीके से उसे अपने हैबिट में इनकलकेट करने की आवश्यकता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखें? देखिए, स्वच्छता का जो परिभाषा है वही सेट ऑफ प्रैक्टिसेस टू मेंटेन गुड हेल्थ एंड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीजेज। तो जो स्वच्छता है वो खुद से शुरू होती है, हर एक आदमी से शुरू होती है। कोई भी सिस्टम जो है सफाई का काम कर सकता है, सरकार या सिस्टम जो है आपके घर से कचरा उठा सकती है, लेकिन आपकी आदतों को और आपके घर की सफाई नहीं कर सकती है। तो इसके लिए आदमी को खुद जागरूक होना पड़ेगा। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा कि भारत का जो स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग है उसमें इंदौर नंबर 1 पे है और वहाँ पे हम लोगों की टीम भी गई थी, तो वहाँ पे एक ही चीज़ निकल के आया कि वहाँ के जो लोग हैं वो जागरूक हैं। तो हर लोग अगर जागरूक होंगे, जैसा कि शक्ति मैम ने बोला कि लोगों को लगता है कि मेरी छोटी छोटी चीज़ों से क्या होगा, लेकिन जब आप इनको क्यूमुलेटिव आप देखेंगे तो छोटी छोटी चीज़ों से ही चीज़ें जो है बढ़ के जो है गंभीर समस्या बन जाती है। शक्ति, आपने बहुत सही कहा भी कि क्या क्या बदलाव है, और सर आपने जो कहा कि जब खुद में नहीं लाएंगे तब तक हम एक परिवर्तन नहीं ला सकते। अक्सर देखा गया है कि वो कचरा होता नहीं, उसको अलग किया जा सकता है, उसको रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन वो कचरा जो कि आप लोग मिला देते हैं तो वो और कचरा हो जाता है। तो जो दर्शक हैं हमारे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो एक तो इस चीज़ में अगर ये छोटा सा पहल अगर वो कर ले तो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप कचरे को मिला के देते हैं तो वो कचरा होता है, लेकिन अगर आप कचरे को पृथक करके देते हैं तो वो सोना होता है। क्यों?
क्योंकि अगर आप पृथक करके देते हैं तो उसको रिसाइकल किया जा सकता है, जो वेट कचरा है उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उससे बनाया जा सकता है, उसमें बहुत सारे जो ठोस कचरा है उसमें बहुत सारे रिसाइकलेबल चीज़ें हैं जिसको रिसाइकल आप करके जो है अपने वातावरण को भी बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प मिलता है। तो इस संबंध में जो है पटना नगर निगम ने एक मिशन टोटल सेग्रीगेशन जो है कैंपेन शुरू किया है, जो 19 सितंबर को बापू सभागार में जिसकी शुरुआत हुई है और जिसके जो पहले स्वच्छताग्राही हैं अपने गवर्नर सर बने हैं, तो उसके तहत मैं पूरे शहरवासियों को मैसेज देना चाहूँगा कि कृपया करके आप जो है अपने घर के कचरे को पृथक करके दें, गीले कचरे को अलग और सूखे कचरे को अलग करके दें, उनको हम लोग अलग कलेक्ट करेंगे और हम लोगों की पूरी व्यवस्था की जा रही है कि जो आपसे पृथक किया हुआ कचरा मिलेगा हमें, हम उनको प्रोसेस करेंगे, उससे बहुत जो है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी लगाया जा सकता है, कचरे से एनर्जी भी बनाई जा सकती है, जो ठोस कचरा है उसकी बहुत सारी ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें हैं जिससे कि बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है जो कि दर्शकों को आकर्षित कर सकती है। उदाहरण के तौर पे मैं जो दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गया था तो वहाँ पर कई सारे से ताजमहल कचरे से बना हुआ था जो जिसको लोग जा करके देखते थे। तो मैं अनुरोध करूँगा कि कचरे को कृपया पृथक करके दें, इससे बहुत स्वच्छता में आप मान के चलिए कि काफ़ी आमूलचूल जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा अगर लोग इस तरह से हम लोग का सहयोग कर पाएँ तो। बिल्कुल, आर्ट आउट ऑफ वेस्ट, अगर इस चीज़ को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। आपने बहुत सही बात कही कि कई तरह के अभियान चल रहे हैं, कई तरह के कार्यक्रम हैं, कई तरह के प्रोग्राम्स हैं जिसके तहत हम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब तक हर लोगों तक इसकी जानकारी ना पहुंचे तो उसमें हम पूर्ण रूप से सफलता नहीं हासिल कर सकते। ऐसे में आम जन को इन तमाम चीज़ों से किस प्रकार जोड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो आपने बहुत अच्छी बात की, जो स्वच्छता ही सेवा जो पखवाड़ा चल रहा है उसका जो सबसे उसमें 3 पिलर हैं, तो सबसे पहला पिलर है स्वच्छता लक्ष्य इकाई और मास लेवल पे जो साफ सफाई का काम करना, और जो दूसरा सबसे बड़ी इकाई है वो जो आपने बात कही कि उसमें कैसे जन भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके, तो जो जन भागीदारी को सुनिश्चित करना हो इसके लिए जो है कई तरह के एक्टिविटीज़ जो है नगर निगम पटना के द्वारा किया भी जा रहा है और जो कि भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा भी हम लोगों को निर्देशित किया गया है, जैसे नुक्कड़ नाटक करना, पब्लिक डिबेट करना, स्कूल में कंपटीशन कराना। पटना नगर निगम में हम लोग एक बिन फेस्ट कर रहे हैं, हम स्कूलों में जाएंगे, वहाँ पे जो है एक बिन हम बच्चों को देंगे और वहाँ पे हम उनको एक गार्बेज का डम्मी भी देंगे कि कौन सा किस तरह का वेस्ट है उसको किस तरह के श्रेणी में रखा जाएगा, किस तरह के डब्बे में रखा जाएगा, और उसमें जो लोग फर्स्ट बच्चे अच्छा करेंगे उनको हम लोग जो है प्राइज़ भी देंगे। और इनके साथ ही आप मधुबनी पेंटिंग हम लोग कर रहे हैं और लोगों को जो है भी हम लोगों ने पूरे पटना नगर निगम में एक वाहन की रैली भी निकाली थी जो कि मोहनलोक स्टेडियम से जिसकी शुरुआत की थी, जिसके हमारे माननीय मंत्री सर भी आए थे वहाँ पे और उन्होंने उसकी शुरुआत करी थी। सर, हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले कि किस तरीके से जन भागीदारी हो सकती है, तो अगर कोई कोई संस्था हो, चाहे वो कोई स्कूल हो, आपके आप तक पहुँचना चाहे तो वो कैसे पहुँचे? बिल्कुल, अभी हम लोगों ने जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर हैं उसमें एक आपके स्कूल्स भी थे, उसमें बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के भी लोग थे, उसमें ऑटो संघ के भी लोग थे, सभी लोगों को हम लोगों ने बुलाया था, एक मीटिंग हम लोगों ने करी थी और हम लोगों ने बोला था कि एक जो है आप लोगों से सहयोग चाहिए कि आप जो है नगर निगम का इस जो सफाई में कार्य में आप सहयोग करें। अगर आपको सड़क चलते कोई, जैसे ऑटो संघ के लोगों को मैंने बोला कि आप अपने ऑटो में एक हैंडबिल रखिए जिसमें कि क्या कचरे की जानकारी हो, उससे क्या नुकसान हो, ताकि लोग चलते चलते पढ़ें तो उनको एक दिमाग में ज़रूर जाएगा कि क्या इससे शहर को नुकसान हो सकता है क्योंकि इसी शहर में रहना है। और इसी तौर पे हम लोगों ने जो एक कॉन्सेप्ट भी रखा है कि जैसे अगर कोई सड़क पे कोई कचरा फेंकता है तो उसको हम लोग सड़क शत्रु बोलेंगे, और अगर बार बार वो ऐसा करता है तो उसको हम लोग नगर शत्रु या शहर शत्रु घोषित करेंगे। सिर्फ इसीलिए, ऐसा नहीं कि हमें उनके प्रति कोई जो है हीन भावना है, सिर्फ इसीलिए कि उनको ऐसा लगे कि देखिए अपना शहर है, पटना शहर है, चकाचक पटना बनाना है तो सभी को सहयोग करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अगर साफ सफाई रहती है, स्वच्छता अगर रहती है तो मन भी सुकून, मन को भी सुकून मिलता है, एक शांति सी रहती है।
कहते हैं ना कि अगर अगर हम सफ, अगर स्वच्छता को हम अपनाते हैं, तो कहते हैं कि एक छोटा सा प्रयास स्वच्छता के प्रति हमारे जीवन की गुणवत्ता को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है, तो इस प्रयासों के बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो हम समृद्ध रहेंगे। तो इन प्रयासों के बारे में मैं कहूँगा कि सभी लोग अपना जो है बहुमूल्य सहयोग दें, और एक एक सहयोग से ही, जैसे कहते हैं ना पांचों उंगली जब एक साथ हो जाती है तो मुट्ठी बन जाती है, तो आप सोचिए कि जब सभी लोग सहयोग करेंगे तो जो सिस्टम है, जो सरकार है, जो सफाई तंत्र में लगी हुई, कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, और जो हमारे प्रधानमंत्री सर का जो सपना है उसको ज़रूर हम लोग साकार कर पाएंगे। बिल्कुल सर, और हमें भी लगता है कि जो दर्शक हमें सुन रहे हैं आज, वो एक छोटा सा बदलाव लाएंगे। कहाँ पे त्रुटि हो रही है, जहाँ पे एक छोटे मतलब कम संक्षिप्त में अगर आप बताना चाहें, तो कहाँ पे हम लोग त्रुटि करें, जो आम जनता है जिनको लगता है कि ये तो नगर निगम का काम है, ये तो जबकि कचरा कचरा वाला वो कोई नहीं आता है, हम कचरा पैदा करते हैं, तो ये जो एक माइंडसेट है उसको कैसे छोटे पैमाने पर हम सुधार सकते हैं, कि आप दूसरे पे कहते हैं ना कि वो उसका काम है ना, कहते हैं कि हमारा काम है। और इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि साफ सफाई केवल साफ सफाई विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे नागरिक की जिम्मेदारी, पूरे भारत नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश को स्वच्छ रखे। बिल्कुल, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस माध्यम से आम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि स्वच्छता को अपने स्वभाव और व्यवहार में लाएं, और संस्कार में भी लाएं। मैं एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे कहना चाहूँगा कि जब छठ पर्व होता है तो उस टाइम में सभी लोग बढ़ चढ़ के सफाई का काम करते हैं, और उस टाइम में स्वच्छता कार्य को पवित्र कार्य माना जाता है। तो ये पवित्र कार्य तो पूरे वर्ष होना चाहिए, सिर्फ कुछ पर्व त्योहारों में नहीं होना चाहिए। तो अगर लोग इस माइंडसेट के साथ, संस्कार के साथ, व्यवहार के साथ अगर आगे आएंगे तो स्वच्छता मेंटेन करने में बहुत ही मदद मिलेगी। बिल्कुल, और शायद यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को सेवा के भाव से जोड़ा है। अगर जलवायु परिवर्तन की बात करें तो आज ये गंभीर समस्या ना सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए है। इसमें भी कहीं ना कहीं अस्वच्छता एक मूल भूमिका निभाता है, इस पर क्या बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जो क्लाइमेट चेंज है, आप देखेंगे कि स्वच्छता में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके वातावरण में जाने से जो हेल्थ पे काफ़ी निगेटिव असर पड़ता है, जैसे ई वेस्ट है, या आप लोगों ने देखा होगा कि पैसिफिक गार्बेज का आपने नाम सुना होगा, जो कि लोगों के कचरे से काफ़ी जो है भरता जा रहा है। तो ऑब्वियसली अगर हम स्वच्छता नहीं बनाएंगे तो उसका असर क्लाइमेट पे भी पड़ेगा। बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए कि पर्यावरण हमारा है, हम इसमें रहते हैं, और इसकी जिम्मेदारी हमें खुद उठानी चाहिए। सर, हमारे शो में आने के लिए और इतनी अच्छी बातें कहने के लिए, इतनी जागरूकता भरी बातें करने के लिए, उम्मीद करते हैं दर्शकों को भी पसंद आई होगी, तो आपके हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शक्ति, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और जब बात करते हैं कि अगर हमारे बीच अगर सर अभी आप मौजूद होते, तो बिल्कुल चाहूँगे कि आप दो शब्दों में हमारे दर्शकों को, या आज की जो युवा है जिनके कंधों पर पूरे देश का भविष्य टिका हुआ है, उन्हें किस तरीके से इसके प्रति जागरूक करना चाहेंगे कि वह स्वच्छता को अपनाते हुए देश को समृद्ध और सफल बनाएं, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? युवा शक्ति के प्रतीक होते हैं, तो युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि खुद को साफ रखें, परिवार को साफ रखें, इससे सोसाइटी साफ रहेगी, और इससे सोसाइटी से शहर बनता है तो शहर भी साफ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों के साथ इतनी अच्छी बातें साझा की, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल, जैसा कि दर्शकों, हम सभी स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे, एक कोशिश की जा रही है पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने की, इसीलिए स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, सफल रहे। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।